भाई गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून है। बहुत बढ़िया, आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। वैसे तो देख नहीं रहा हूँ मैं, तो सिर्फ आईपैड को देख रहा हूँ, बट फिर भी देख के बहुत अच्छा लगता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में लास्ट टाइम क्या क्या किया, क्या क्या हुआ? हमने लास्ट टाइम पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन देखा था, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसमें पी वन इज इक्वल टू पी टू, सो एफ वन बाय ए वन इज एफ टू बाय ए टू, एंड एज अ रिजल्ट एक छोटा सा फोर्स मारने से बड़ी बड़ी गाड़ी उठ जाती है साहब, यह है उसका फंडा। सो एफ टू जो गाड़ी उठाने का फोर्स चाहिए, दैट इज इक्वल टू तुमने जो पेडल पे मारा एफ वन इंटू ए टू बाई ए वन। अगर ए टू बहुत बड़ा ए वन से, तो एफ टू भी काफी बड़ा होगा एफ वन से। सो दिस इज योर हाइड्रोलिक लिफ्ट। फिर हमने स्टेडी फ्लो देखा। स्टेडी फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल सपोज P पे आया तो उसकी वेलोसिटी होगी Vp, Q पे आया तो उसकी स्पीड होगी Vq, एंड R से पास होगा तो उसकी स्पीड होगी Vr। भले इट इज नॉट नेसेसरी कि ये तीनों स्पीड सेम हो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट Vp इज इक्वल टू Vq इज इक्वल टू Vr, तो जरूरी नहीं कि ये सेम हो, अलग अलग हो सकते, पर जो भी पार्टिकल P पे आए उसकी स्पीड Vp होनी चाहिए। तो इस तरह हमने ट्यूब ऑफ फ्लो नक्की किया था। ये ट्यूब ऑफ फ्लो है, ये ट्रैक है गाड़ियों का, ये स्ट्रीमलाइन से बना है ट्यूब ऑफ फ्लो। अगर यहां से पांच लाइन गुजरती है तो बाहर भी पांच लाइन ही निकलती होगी। ये सारी स्ट्रीम लाइन्स है, एंड यहां पे जो भी पार्टिकल आता है, सपोज यहां पे पार्टिकल आता है, तो यू कैन एब्सोल्युटली प्रिडिक्ट कि ये पार्टिकल इसी ट्रैक पे चलेगा और यहां से ही बाहर निकलेगा। दो स्ट्रीम लाइन्स कभी इंटरसेक्ट कर सकती नहीं है। और यहां पर सपोज ये पॉइंट पी है, स्पीड है इसकी वीपी, एंड इसका एरिया है एपी, ये है पॉइंट क्यू, नीचे ही लिखते हैं, इसकी स्पीड है फ्लो की VQ, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है AQ, ये है पॉइंट R, स्पीड है VR, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है AR। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता था कि द अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू P पर यूनिट टाइम इज सेम एज द अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू Q इज सेम एज द अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू R, दैट इज APVP is equal to AQVQ is equal to ARVR, and as a result the product AV is equal to constant of area into velocity is constant, or you can call it V is inversely proportional to area। जितना एरिया कम करोगे स्पीड ऑफ फ्लो उतना बढ़ता जाएगा। तभी तो आप गार्डनिंग की पाइप के आगे अपना अंगूठा रखते हो तो पानी सर्राटे से बाहर आता है, बिगा देता है सबको। सो दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लास्ट टाइम, यू कांट फॉरगेट द सुपरस्टार ऑफ लास्ट टाइम, बर्नौली थ्योरम। वाह वाह वाह, उसका डायग्राम भी चकाचक, बर्नौली भी चकाचक, और इक्वेशन भी धमाधम, एक से बढ़कर एक। ये रेफरेंस लेवल है हमारा। सर बड़ा डायग्राम बनाना। अरे यार, इट्स योर डायग्राम, मेक इट लार्ज। इतना बड़ा ठीक है बेटा? यस सर। बस फिर तू एंजॉय करिए। ये हाइट है H1, ये है यहां पे है H2, यहां स्पीड ऑफ फ्लो है V2, यहां स्पीड ऑफ फ्लो है V1, यहां प्रेशर है P1, यहां प्रेशर है P2। ये मात्र एक इक्वेशन है जो प्रेशर, स्पीड और हाइट को रिलेट करता है। बर्नौली इसलिए तो महान है क्योंकि ये प्रेशर, स्पीड और हाइट तीनों को एक साथ रिलेट करता है। तो बर्नौली के चार इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन से थे? पहला तो यहां से स्पीड V1 था, टाइम डेल्टा टी था, तो वर्क वन इज P1 इंटू डेल्टा V, और ये ऐसे आया प्रेशर उल्टा था, तो वर्क टू इज माइनस पी टू डेल्टा वी, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, एंड मास कितना है रो डेल्टा वी, रो इनटू डेल्टा वी, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। एंड ये तो हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ब्लू में डाल दो। एम जी, कोई नया इक्वेशन नहीं, कोई नई बात नहीं, सेम टू सेम बात है। एंड फाइनली वर्क एनर्जी थ्योरम के जरिए, वर्क विच इज डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको लगा डाला फाइनल इक्वेशन झींगा डाला, तो पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर रो जी एच टू। दिस इज प्रेशर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड एज अ रिजल्ट फाइनली फाइनली पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। माय गॉड पीपल, आज हम इस बर्नौली थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं उनको स्टडी करेंगे, बट बिफोर आई गो इनटू बर्नौली थ्योरम एप्लीकेशंस, आई वांट यू टू सी दिस इक्वेशन केयरफुली। कैन यू सी दिस पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, विच गिव्स अस दिस इक्वेशन। नाउ इफ आई कंसिडर बोथ पॉइंट्स on the same level, you know this is what I'm going to write as a note, can I take this off now? मैंने पूरा बर्नौली revise करा दिया आपको, भाई घर जाके करिएगा, नहीं तो परिस्थितियां गंभीर हो जानी। So note, इसको कहेंगे note. If both points one and two are on the same level, that is h1 is equal to h2, तो H1 और H2 उड़ जाता है तो इक्वेशन क्या बनता है जी महाराज? P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2. That means P1 P2 minus P1 is equal plus half rho V square is constant. Constant. Now if you are looking at this equation closely and if I say velocity ज्यादा है, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा है, तो उस पॉइंट पे कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने के लिए प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? कम। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? बिकॉज दिस प्लस दिस इज कॉन्स्टेंट, तो इन दोनों का सम तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है किसी रीजन में तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन ब्लू, पीपल ब्लू ब्लू ब्लू। इफ speed of flow is more, then pressure is less and vice versa. Well, I'm seriously sir, hoping that aap apni books mein ye cheez likh rahe hai. Yes sir, pressure kis cheez ka kam hoga? Us point pe apply hota hua pressure, matlab wo liquid pe। जी जी जी, सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लू, एग्जाम्पल ले ही लेते, बगैर एग्जाम्पल की तो बात करना मुश्किल है। अच्छा वो वही तेरा ट्यूब ऑफ फ्लो लेता हूं। यस सर। और दो ही पॉइंट पकड़ता हूं, ये पी और ये क्यू, ओके, एंड आप देख रहे हैं यहां पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस ट्यूब ऑफ फ्लो में लिक्विड फ्लो हो रहा है, और मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, ये है VP, ये है VQ। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, आपको क्या लगता है कौन सी जगह पे स्पीड ज्यादा होगी फ्लो की? क्योंकि एरिया कम तो स्पीड ज्यादा, वी इग्नोर दैट V is inversely proportional to A, तो एरिया जहां कम होगा स्पीड वहां ज्यादा होगी। सो
velocity at velocity of flow, speed of flow at P is greater than speed of flow at Q. तो P पे स्पीड ज्यादा, ये हाई स्पीड, ये लो स्पीड. एज अ रिजल्ट लिक्विड पे प्रेशर किस पॉइंट पे ज्यादा होगा, किस पॉइंट पे कम होगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. दस बर्नौली थ्योरम स्पीड और प्रेशर को रिलेट करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, और ये तो अभी शुरुआत है. मैं स्पीड और प्रेशर को इतनी सारी जगह रिलेट करूंगा, आपने भी सोचा नहीं होगा कि अच्छा यहां पे रिलेट कर रहे हो, क्या बात है सर. ओके, धस स्पीड जहां ज्यादा, प्रेशर वहां कम. सो प्रेशर एट पी कम होगा या ज्यादा? लेस देन प्रेशर एट क्यू. तो सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि प्रेशर और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया कम तो प्रेशर भी कम. बिल्कुल, पर हर बार तेरे पास एरिया कंपेयर करने का जुगाड़ नहीं होगा. तो तेरे पास यू नो स्पीड, तेरे को स्पीड और प्रेशर को रिलेट करना हो तो इनवर्स इक्वेशन काम आ जाता है. यस सर. सो स्पीड जहां पे ज्यादा, प्रेशर वहां पे कम, उस तरह पूरा चीज वर्कआउट होता है. अच्छा एक और बात, मैं इस चीज को वैसे खत्म कर ही रहा हूं, पर मेरे को एक ही चीज दिखानी है आपको. कहां पे स्ट्रीमलाइंस क्राउडेड है? पॉइंट पी पे स्ट्रीमलाइंस क्राउडेड है. कहां पे स्ट्रीमलाइंस वाइडली स्पेस्ड है? क्यू. अच्छा ये पी पे स्ट्रीमलाइंस क्राउडेड है, इंडिकेट्स हाई स्पीड. प्रेशर कैसा है? लो. एंड यहां पे प्रेशर कैसा है? हाई. सो स्ट्रीमलाइंस क्राउडेड हो इट इंडिकेट्स हाई स्पीड, एंड स्ट्रीमलाइंस रैरिफाइड हो इट इंडिकेट्स लो स्पीड. सो क्राउडेड स्ट्रीमलाइंस, यू नो जो भी ब्लू में लिख रहा हूं, आई वांटेड टू राइट दैट डाउन. क्राउडेड स्ट्रीमलाइंस इंडिकेट हाई स्पीड ऑफ फ्लो. हाई स्पीड किसका स्पीड सर? हाई स्पीड ऑफ फ्लो एंड वाइस वर्सा. ओके प्लीज जॉट दिस डाउन. आई एम टेकिंग दिस ऑफ एंड आई एम गोइंग टू व्हाट इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर. ओके can I go on now? What do you say? Yes sir. I hope you've written this and this along with this diagram. Okay. Yes sir. Okay, so I'm taking this off. Now we are going to applications of Bernoulli's theorem. The first application is venturi meter. Bhai ye diagram ko mind mein basa lena, bahut kaam aayega, बहुत काम आएगा, और इसी वक्त काम आएगा. ऐसा नहीं कि साल भर बाद काम आएगा, इसी वक्त जो भी करना है अभी के अभी. तो डायग्राम बता देता हूं आपको वेंचुरी मीटर का. वेंचुरी मीटर सर, ये मीटर करता क्या है? कुछ ना कुछ मेजर तो करता है, पर क्या करता है? दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर the speed of flow of a liquid. Okay. किसी भी लिक्विड का स्पीड ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए यह डिवाइस काम आती है. अच्छा दो चीजें यहां पे, ये एक वेंचुरी ट्यूब है, ये गंदा डायग्राम है, ये कुछ ठीक है, ये बरोबर लग रहा है? नहीं सर. हाँ ले, तू आ गया जज करने के लिए डायग्राम चाहिए क्या? कंपटीशन में उतरना है क्या? ओके यहां पे मुंह बड़ा है, यहां पे मुंह छोटा है. ओके लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट वन, एंड यहां पे जहां मुंह छोटा है लेट्स कॉल इट पॉइंट टू. This is called the throat of the venturi tube. This is the venturi tube, और इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है मस्त.
इसको एरिया ए वन बड़ा ए कहते हैं और इसका एरिया जो है छोटा ए कहते हैं. ओके नाउ स्पीड ऑफ फ्लो हियर इज वी वन, स्पीड ऑफ फ्लो हियर इज वी टू. सर मजेदार चीज है ये, क्या बात है. हम सबसे पहले तो अच्छा अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना उसके डेंसिटी है रो. नाउ फिलहाल में ये आधा डायग्राम है, पूरा नहीं हुआ है. सो इन द वेंचुरी ट्यूब, इन वेंचुरी ट्यूब लेट्स अप्लाई बर्नौली थ्योरम. अप्लाई अच्छा बर्नौली थ्योरम नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. आई थिंक मैंने 2.1 and 2. यस सर. यू नो ए वी इज कॉन्स्टेंट, तो बड़ा ए इंटू वी वन इज ए वी वन इज इक्वल टू स्मॉल ए वी टू तो हाउ मच इज वी टू जेंटलमैन. बड़ा ए वी वन छोटा है. अग्रीएबल. ओके सो वी टू इज बड़ा ए बाई छोटा ए इंटू वी वन. अब जी 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 सर ये ए वी वन इज इक्वल टू ए वी टू कैसे हुआ सर. बेटा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. छोटा है. अब क्लियर है महाराज. अरे ले तू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भुला गया, किसी और को भुला देता यार. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भुला रहा नामुमकिन. अभी किसी और को उसकी जगह पर बुला. हाँ ये गारंटी है, ये कर उसमें कोई दिक्कत नहीं. सो अप्लाई बर्नौली. सर बर्नौली इज इक्वेशन 2.1 and 2. पहले काम करते हैं इक्वेशन लिख मारते हैं बर्नौली का, फिर देखेंगे क्या होगा. यस सर. P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. सर्वप्रथम can you see points 1 and 2 are on the same level? Points 1 and 2 on same level. So H1. तो do you agree ये दोनों उड़ जाएंगे. And therefore, P1 plus half rho V1 square V2 plus half rho V2 square. अच्छा V2 की जगह इसको प्रस्थापित कर दूं? A by A by V1. Yes sir. Square करना है चचा. Okay sir. भाई ये step clear था. This was half rho V2 square and V2 की जगह मैंने बड़ा A by छोटा A into V1 लगा डाला और square कर डाला. Okay? So now do you see V1 square दोनों तरफ है, तो मैं P2 को ये साइड बुला देता हूँ. आ जा बेटा इधर आ जा, एक बार आ जा. P1 minus P2 is equal to half rho bracket I. Half rho V1 square को कॉमन लिया जा सकता है. बिल्कुल yes, हो सकता है. तो P1 माइनस P2 इज हाफ रो V1 स्क्वायर, बड़ा ए बाय छोटा ए द होल स्क्वायर द होल माइनस 1. सर अब क्या करोगे. आप कह रहे थे डायग्राम अधूरा. हाँ बेटा अधूरा. आपने देखा मुझे प्रेशर डिफरेंस की बात चली है, प्रेशर डिफरेंस. तो अब मैं 1 और 2 के प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करने के लिए एक मैनोमीटर लगाऊंगा. यूट्यूब भाई वो यूट्यूब नहीं है जो आप हमेशा देखते हो. ये yes, sir. ये यूट्यूब मैनोमीटर. और मैं आपसे अब वो सवाल पूछूंगा जिसके बारे में मैंने आपको ब्लू में लिखवाया था लास्ट बोर्ड में. डायग्राम में थोड़ी सी खराबी हो सकती है बट डोंट वरी, डायग्राम अपना ही चाहिए. आप अपने घर पे अच्छा बनाना फिलहाल देखो. अच्छा
ये यूट्यूब मैनोमीटर में जो लिक्विड है ना उसका डेंसिटी है रो एम। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कुछ भी हो जाए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या लगता है आपको कौन से पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी, वन पे या टू पे? वन पे स्पीड कम, टू पे स्पीड ज्यादा। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, कौन से पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, वन पे या टू पे, पे? वन पे, वन पे, सॉरी सर, वन पे, वन पे सर। जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, नाम तो सुना होगा, जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, तो स्पीड यहां वन पे कम तो प्रेशर वन पे ज्यादा, बराबर है? क्या ये बात समझ में आई है? क्या ज्यादा का वादा समझ में आया आपको? ओके, तो वन पे प्रेशर ज्यादा है तो ये वन वाला दबाएगा नीचे इसको, और ये लिक्विड तेरा नीचे जाएगा। टू पे प्रेशर कम है तो टू पे लिक्विड ऊपर आएगा, और ये दोनों लेवल्स में, मैं पहले ब्लू कलर में लेवल्स बना दूं, और ये दोनों लेवलवा में एच का डिफरेंस है। अगर दोनों लेवल सेम ही होते तो इसका मतलब कोई प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है, प्रेशर सेम है, पर अगर एक जगह ऊंचा और एक जगह नीचा, इसका मतलब है प्रेशर में डिफरेंस है। हमने ये यूट्यूब इसी के लिए लगाया, क्योंकि हमको ये वेंचुरी ट्यूब को तो देख के पता नहीं चलेगा ना प्रेशर कितना है तेरा भे, वो थोड़ी जवाब देगा। हमको यहां से पता चलेगा, अच्छा यहां ऊपर है मतलब प्रेशर कम है, यहां नीचे दबा रहा है मतलब प्रेशर ज्यादा है, डिफरेंस कितना है हाइट का, एच। डू यू नो प्रेशर डिफरेंस इज एच रो जी? डू यू नो दैट? यस सर, एच रो जी। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? यस सर। सो अब तक जो भी मैंने लिखा पढ़ी किया वो वेंचुरी ट्यूब के लिए था, अब मैं जो लिख रहा हूं वो मैनोमीटर ट्यूब के लिए है। फॉर सर, जी, सर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से, तो फिर वन पे तो कम मैं होगा। प्रेशर को एरिया के साथ जोड़ ही नहीं रहा हूं। तू प्रेशर, तू है ना पी इज इक्वल टू एफ बाय ए पकड़ रहा है, दिस इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ लिक्विड एट रेस्ट। नाउ नो लॉन्गर लिक्विड्स आर एट रेस्ट बड़ी, लिक्विड्स आर फ्लोइंग, सो आर यू फ्लोइंग विद द लिक्विड? यस सर। सो लिक्विड के फ्लो में ये स्टैटिक प्रेशर है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एंड वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये फ्लोइंग लिक्विड के लिए चीज है बेटा, जो पी इज इक्वल टू एफ बाई ए से अलग है। ओके, इज दिस मेकिंग सेंस नाउ? सो मैनोमीटर ट्यूब में इस पॉइंट पे प्रेशर पी वन, इस पॉइंट पे प्रेशर पी टू, सो पी वन माइनस पी टू प्रेशर डिफरेंस इज रो एम। अब इसमें कौन सा लिक्विड है भाई? रो एम, जी इंटू एच। अच्छा, मुझे ब्लू में लिखना चाहिए था क्योंकि ये मेरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एच रो एम जी जी, यस सर। जी जी महाराज, पी वन माइनस पी टू इज रो एम जी एच। गलती से रो अकेला मत लिख बैठना, क्योंकि रो तो वेंचुरी ट्यूब के अंदर फ्लो होते हुए लिक्विड का डेंसिटी है, ये ब्लू कलर का लिक्विड है, ब्लू ब्लू ब्लू, तो उसका डेंसिटी है रो एम। भाई देखो यहां पे, दिस इज ऑल्सो पी वन माइनस पी टू, दिस इज ऑल्सो पी वन माइनस पी टू, कैन आई सेफली इक्वेट, कैन आई इक्वेट बोथ ऑफ देम, है यस ना? सर, यस सर। सो इजी पीजी जैपन इजी तरीके से इक्वेट कर देते हैं, एंड खेल खलास। यू नो लोग वेंचुरी मीटर को देखते ना, इतना बड़ा डेरिवेशन देखते फाट जाती है, अरे सर क्या फेंक रहे हो सर, सॉलिड बड़ा डेरिवेशन है। अरे बेटा तू क्या कर रहा है, इस डेरिवेशन के तीन ही स्टेप है, पहला बड़ा ए वी वन इज छोटा ए वी टू, दूसरा पी वन माइनस पी टू इज हाफ रो वी वन स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ए बाय छोटा ए स्क्वायर माइनस वन, और तीसरा पी वन माइनस पी टू इज रो एम जी एच। दोनों को इक्वेट कर, खेल खलास। इसको रिवाइज करना यस अत्यंत आसान। सो इक्वेटिंग सर, द्वितीय एंड तृतीय, मैं याद भी नहीं रखता, मेरे को सिर्फ इतना अंदाजा क्या करना है बस, याद रख के क्या मिलेगा, ये सब बीच की बातें तो अपने आप आ ही जाती हैं। मुझे वी वन चाहिए, क्या करूं, आइसोलेट करो उसको, तो यस सर,
वी वन स्क्वायर इज, ये टू यहाँ गया, टू रो एम जी एच बाय रो, नीचे बड़ा ए बाय छोटा ए का स्क्वायर जी 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 एंड एज ए रिजल्ट मेरा फाइनल इक्वेशन बी वन रूट ऑफ टू रो एम जी एच बाय रो बड़ा ए बाय छोटा ए स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। बराबर, कोई शक? नो सर। दिस नो सर इज द स्पीड ऑफ फ्लो एट पॉइंट वन ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट वन। देख के बड़ा लगता है, मैं अभी भी कहता हूं आपको, देखने में बड़ा लगता है पर अगर इसका गर्दन पकड़ लिया ना थ्रोट। इस पूरे डेरिवेशन में चार आइटम थी, पहला तो डायग्राम, दूसरा बड़ा ए वी वन इज छोटा ए वी टू, तीसरा पी वन माइनस जो बर्नौली लगा के मिलता था, पी वन माइनस पी टू हाफ रो वी वन स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ए बाय छोटा ए होल स्क्वायर माइनस वन, एंड फाइनली मैनोमीटर में पी वन माइनस पी टू इज रो एम जी एच, दोनों को इक्वेट करो, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। समझा? यस सर। तो आप सबसे पहला क्या प्रैक्टिस करोगे? डायग्राम। डायग्राम है तो सब कुछ है, अगर डायग्राम नहीं तो जिंदगी वीरान है, ये वीरानियां, ये तन्हाइयां, ये कुछ नहीं है अगर डायग्राम नहीं है। सो आई ऑलवेज से इट्स योर डायग्राम, मेक इट लार्ज। आप कभी मानते नहीं हो मेरी बात है ना? सर कभी तो लार्ज बना लिया करो, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। अच्छा भाई, दूसरी आइटम है टोरिसेली इक्वेशन। यस सर। इवान जेलिस्टा टोरिसेली, ससुरा नाम बोले तो जवान टेढ़ी हो जाए, पर सॉलिड इटालियन सॉलिड थे, चाहे वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो, किसी में भी हो, सॉलिड, हैट्स ऑफ है। बहुत बहुत तरक्की करी उन लोगों ने, बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया। टोरिसेलीज लॉ टेल्स अस द स्पीड ऑफ अ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ अ होल। So, क्या है ये? अच्छा, कंसीडर अ कंटेनर, ये मेरे पास कंटेनर है भाई। मैं आपको ये भी बता दूं, टोरिसेली शिव भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, यू विल नॉट बिलीव दैट। हाँ सर। अच्छा, तेरे सपने में आया था क्या टोरिसेली? ये कंटेनर है जो लिक्विड से भरा हुआ है, और यहां से मैंने एक आउटलेट दिया है। डू यू अंडरस्टैंड? यहां से पुर पुर करके लिक्विड बाहर आएगा। ओके, ये गंदा है थोड़ा, तो ये इसको नाम देता हूं पॉइंट टू, और ये जो है ना ये पॉइंट है वन, और ये दोनों में डिफरेंस ऑफ लिक्विड इज एच। ओके, अब यहां से लिक्विड बाहर आएगा जूम करके, लेट्स कॉल इट वी टू। नाउ कंसिडर अ कंटेनर, filled with liquid as shown, filled with liquid. There is a hole, a small hole of area A2 at depth h from the top. भाई ये काम करते हैं, सबसे पहले तो equation of continuity लगा देते हैं, सही है? Yes sir, A is equal to constant. My God. Yes sir. By equation, अच्छा इस मुंह का, इस छोटे का एरिया A1, इस मुंह का एरिया A2, by equation of continuity, एकदम आसान सी बात, A1 V1. A1 V1 is equal to A2 V2. बराबर, so V2 is A1 by A2 into V1. ये सिर्फ एक इक्वेशन है, इसकी ज्यादा यूज नहीं होगी, पर मैं यूज करता हूं, लगा दिया तो लगा दिया। नाउ अप्लाई बर्नौली। हाँ सर, आपने वो A2 और A1 रखने में गलती नहीं करनी सर। अच्छा, A1 के साथ V2 है, A1 नीचे आएगा सर। क्या A2 बाय A1 आएगा नीचे? हां सर। गेम का उधर से डायग्राम है, डायग्राम। अच्छा अच्छा, ऐसे आ रहे हो, अच्छा
मैं यही सोचूं यार, A1 V1 A2 V2 कमाल करते। अच्छा, डायग्राम। ओके ठीक, ओके सर, थैंक यू सो मच। अप्लाई बर्नौलीज़ थ्योरम 2 points 1 and 2। चल भाई चल, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। अरे तू बोल रहा है, तब तक तो धमा धमी मच चुकी है। यस सर। ओके जी। अच्छा, ये जो 1 और 2 points के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एच, बराबर ना। मुझे V2 में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले V2 स्क्वायर को आइसोलेट करना है मुझे। नाउ सबसे पहली बात कि द डिफरेंस इन पॉइंट्स, नाउ H1 माइनस H2 इज एच, ये पॉइंट वन ये पॉइंट टू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है एच। एंड डोंट यू अग्री कि मुझे जो लिक्विड है वो यहां पे एट रेस्ट है, एट पॉइंट वन लिक्विड इज एट रेस्ट, कहीं जा नहीं रहा। सो V1 कैन बी अज्यूम टू बी जीरो, यू नो यहां पे कोई स्पीड ही नहीं है फ्लो की, यहीं से आएगा। तो यहां से ये रो V1 स्क्वायर मर जाता है, रो जी H1 माइनस रो जी H2 मिल जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शांति से, रो हाफ रो V2 स्क्वायर इज P1 माइनस P2, V1 तो मर चुका है, प्लस रो जी H1 माइनस H2 माइनस H1 माइनस H2। भाई साहब, भाई साहब, ओके नाउ तू चाहे तो कोई भी रेफरेंस लेवल पकड़ सकता, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस लेवल है, तो ये तेरा H1 और ये तेरा H2। तो H1 माइनस H2 कितना है, इजंट इट एच? अग्रीएबल। सो ये रेफरेंस लेवल लेके यहां से मैं चीजों को मेजर कर रहा। अच्छा sir, हाँ सर, V1 अगर जीरो है तो V2 वाले इक्वेशन में फर्क नहीं आएगा सर? क्यों सर, V1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है सर, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, मैं ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के तेरे को एक ये इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करी कि ये जो होल का एरिया है ये A2, ये काफी छोटा है कंपेयर टू इतने बड़े एरिया से। एज अ रिजल्ट तुझे V1 की स्पीड जो है वो मायने नहीं रखेगी तेरे को, बराबर। एज अ रिजल्ट मैं V1 को नियरली जीरो पकड़ना एफोर्ड कर सकता हूं, बराबर। इट इज नॉट गोइंग टू फिगर टू मच इन माय इक्वेशन, फेयर एनफ। इट्स स्पीड इज नेग्लिजिबल, सो आई एम टेकिंग इट ऑफ। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक बात पूछनी थी, कैन यू सी ये होल ओपन टू एयर है, ये जो होल है जहां से तुम्हारा लिक्विड बाहर आ रहा है, इजंट इट ओपन टू एयर? एंड कोई भी चीज ओपन टू एयर हो तो प्रेशर कितना होता है, इजंट इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो आई एम टेकिंग दिस ऑफ। नाउ पॉइंट टू इज ओपन टू एयर, मैं इधर ही लिखता हूं, पॉइंट टू इज ओपन टू एयर, सो P2 इज इक्वल टू PA विच इज एटमोस्फियरिक प्रेशर। तो यहां पे डाल PA, सर क्या PA? ये पीना कुछ नहीं है, P1 माइनस PA करने का, प्लस H1। एक काम करो जी, ये 2 को भी ले जाओ उत्तर और रो को ले जाओ नीचे, V1 स्क्वायर इज 2 P minus PA by rho plus rho GH, 2 rho GH. Sir, V2 square. Oh, sorry, my mistake. V2 square. Plus 2 rho GH by rho. Rho गए, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। तो भाई V2 कितना आया श्रीमान? Root of 2. प्लस वो लवली इक्वेशन नंबर 3।
अगर आपका पी माइनस पी ए बहुत बड़ा है तो आप 2gh को इग्नोर कर सकते हो, बरोबर। सो इफ योर पी माइनस पी ए इज वेरी बिग, इफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2 इज वेरी लार्ज, तो वी कैन अफोर्ड टू निग्लेक्ट 2gh। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा करीबन करीबन रूट ऑफ 2p माइनस पी ए बाय रो। सो नोट वन, इफ पी माइनस पी ए इज वेरी लार्ज, वी कैन निग्लेक्ट 2gh, बराबर। तो इक्वेशन वी टू नियरली इक्वल टू रूट ऑफ 2p माइनस पी ए बाय रो। बट व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, इफ इन द कंटेनर पॉइंट वन इज ऑल्सो ओपन टू एयर, देन भाई अगर पॉइंट वन का प्रेशर भी पॉइंट वन भी ओपन टू एयर है, देन डोंट यू अग्री, देन पी इज इक्वल टू पी ए, है ना। यस सर, जो पी वन है वो भी पी ए होगा। मैं आपको दिखाऊं, ये पॉइंट टू और ये पॉइंट वन, कैन यू सी, वन भी ओपन टू एयर, टू भी ओपन टू एयर। तो एज अ रिजल्ट जो यहां से लिक्विड निकलेगा, डू यू अग्री, पी माइनस पी ए जीरो हो गया। तो देन द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट, जिसको एफ्लक्स कहते हैं, भाई एफ्लक्स का लक साबुन के साथ कोई लेना देना नहीं है, एफ्लक्स मतलब कमिंग आउट, देन वी टू इज नियरली इक्वल टू पी माइनस पी, उड़ गया, इजंट इट इक्वल टू रूट ऑफ, इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली आप रियलाइज करोगे कि ये तो चैप्टर 3 में आता था। दिस इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन हाइट। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सो दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज टॉरिसेलीज लॉ। आई एम श्योर आप कभी ना कभी तो शिव मंदिर में गए होंगे, शिव जी के, और शिवलिंग के ऊपर एक एक लोटा होता है जिसके नीचे एक होल बनाया होता है, कभी नोटिस किया है। आई एम श्योर शिव जी के मंदिर में सारे गए और उस लोटे के नीचे काना होता है, एक होल होता है। अगर तुम लोटा पूरा भर दो, यू नो लोटा ऑल्सो ओपन टू एयर, होल ऑल्सो ओपन टू एयर, इफ द यू नो लोटा इज कंप्लीटली फिल्ड, कैन यू सी कि वो हाइट ज्यादा होने से स्पीड फास्ट आती है, लिक्विड फास्ट आता है उसमें से। एंड जैसे जैसे वो लिक्विड का लेवल कम होता जाता है, स्पीड ऑफ द लिक्विड ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो आइडियली दिस इक्वेशन अप्लाइज टू द लोटा अबव द शिवलिंग, दैट इज व्हाई मैंने कहा टोरिसेली शिव भक्त है। हाँ क्या कह रहा है। सर, इसमें एच वो जितने लेवल तक पानी है, मतलब लिक्विड है उस कंटेनर में, वो एच है ना। कैन आई टेक दिस ऑफ, कैन आई टेक दिस डायग्राम ऑफ। यस सर, यस सर। एच इज द हाइट डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2। सो इफ दिस इज योर कंटेनर एंड दिस इज योर होल, दिस इज पॉइंट टू एंड दिस इज पॉइंट वन, ये मैं एक्चुअली शिवजी के ऊपर का वो कमंडली बना रहा हूं। सो एच इज द हाइट डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड 2, एंड जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा ये कम होता जाएगा, एच कम होते जाने की वजह से स्पीड भी कम होती जाएगी। इज दिस अग्रीएबल। यस सर, ओके, सो दिस इज यस सर, टॉरिसेलीज लॉ। या
Anybody wants to say something? No, sir. Okay. इसका बर्नौली का एक और बहुत सुंदर उदाहरण एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, आई एम श्योर आप सब लोग यू नो बेगोन के पंप को जानते होंगे. हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग? हैव यू हर्ड ऑफ द स्प्रे पंप? यस सर. अच्छा, यस सर. माय गॉड, what is a spray pump? You know, बेगोन स्प्रे जो होता ना, जो कॉकरोच वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका ऐसा सिचुएशन रहता है. स्प्रे पंप. तू किसका समझा? नहीं सर, वो पिचकारी जैसा लगा. नहीं तो पिचकारी पकड़ ले, आई डोंट माइंड. पर पिचकारी में नीचे ऐसे डबला नहीं होता. पिचकारी में होता है कुछ कुछ में होता है ना, पकड़ने में होता है. अच्छा, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. ये वो कॉकरोच वगैरह मारने के लिए फुस 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 बेगोन पंप नहीं मारते, वो उसका डायग्राम है ये. अच्छा सर. अच्छा, सीन ये है, यहां लिक्विड भरा हुआ है कॉकरोच को मारने के लिए. जैसे ही तुम पहला फुस मारते हो, भाई बीच में कुछ नहीं है, हवा है. सो फ्रॉम हियर एयर कम्स आउट एट हाई स्पीड. तुमने फुस करके मारा, इधर कुछ है नहीं, हवा है, हवा केम आउट एट हाई स्पीड. बेटा, स्पीड और प्रेशर का रिलेशन किस 30 मार्कां को याद है? स्पीड हाई हो तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा, कौन बताएगा आज? कम होगा सर. क्या ये बात बिल्कुल अपने माइंड में बैठ गई है कि बैठने के लिए टाइम लगेगा उसको, कि स्पीड हाई तो प्रेशर कम? यस सर. बात में यही है दम, कि स्पीड हाई, एयर निकला हाई स्पीड से, तो इस पॉइंट पे लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेशर क्या हो गया? कम. इधर लिक्विड का प्रेशर हाई है, एंड यू नो एवरीथिंग गोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो अब ये लिक्विड इस नली में चढ़ेगा. ये लिक्विड प्रेशर डिफरेंस की वजह से, इस पॉइंट और इस पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस है, तो ये लिक्विड अब इस नली में चढ़ के ऊपर आएगा. तो जब तुम दूसरी बार फुस मारोगे तो यहां से लिक्विड निकलेगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो सेकंड लिक्विड चढ़ के ऊपर आ गया, अब तुमने पीछे खींच के वापिस दोबारा जब मारा, तो इसमें से अब लिक्विड निकलेगा एट हाई स्पीड. फिर से हाई स्पीड पे लिक्विड निकला, फिर से प्रेशर कम हो गया, ये फिर से चढ़ेगा. तुमने फिर से पीछे खींचा, मारा, फिर से लिक्विड निकला. तुम जब जब खींच के मारते हो तब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और ये लिक्विड बाहर निकलता जाता है. तुमको आई एम श्योर सब सलून में गए होंगे. सलून? यस सर. आजकल तो सभी सलून में जाते हैं. सलून में आप जाते हो तो वो जो हेयर ड्रेसर होता है वो एक बाटली लेके आता है आपके पास. Push, 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 push. Have you ever seen that bartley happening? Yes, sir. If you are, if you are observant enough, अगर आप observation के बादशाह हो, तो आपने ये देखा होगा कि जब वो पहली बार फुस मारता है, तो कुछ नहीं निकलता. नहीं निकलता. Yes, sir. उसी बार में निकलते. Same idea. पहली बार जब फुस मारा, तो सिर्फ हवा निकली. पर जैसे ही वो हवा निकली, प्रेशर कम हुआ बाटली में से, यू नो एक नली जाती है उसके फ्लास्क में. आई एम नॉट श्योर आई कैन ड्रॉ द डायग्राम, बट इट्स समथिंग लाइक दिस. यू नो यहां से ऐसे निकलता है, एंड देयर इज दिस नली दैट इज गोइंग डाउन, एंड यहां से फुस फुस. देखा ना सर, इंजेक्शन में भी ऐसा होता. इंजेक्शन में जब हम
प्रेशर कम होता है हवा का और उसमें फील होता है। अच्छा, पर फिर बेटा नहीं, वो चीज अलग है। मैं जो यहां पे दिखा रहा हूं, तुम यहां से जब एक फुस करते हो तो यहां से हवा कम हो जाए, हवा निकलती है हाई स्पीड पे और प्रेशर कम हो जाता है। डोंट यू सी दिस लिक्विड इज राइजिंग अगेंस्ट ग्रेविटी? यस तो ये लिक्विड अगेंस्ट ग्रेविटी, इट इज नॉट सपोज टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी, बट ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, नीचे प्रेशर हाई है, हाई पी, ऊपर लो पी है, तो लिक्विड गोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, एंड सेकेंड टाइम जब आप मारते हो तब लिक्विड आ गया है तो लिक्विड निकलेगा हाई स्पीड पे। सेम हियर, आप यू नो वो स्प्रे पंप एटोमाइजर, वो डीओ नहीं मारते फुस 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 फुस, तो डीओ जब पहली बार दबाते हो उसमें से सिर्फ हवा निकलती है भाई, फिर जब दूसरी बार दबाते हो ना तब उसमें से फुस 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 फुस। इंडिया में सर, तो, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। तो एयर पंप करने वाला आता है सर, वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में नहीं यूज करते, उसमें क्या होता बिल्कुल है? यही तो है वो, यू नो जो फुस फुस, तेरी मम्मी से पूछियो, तेरी मम्मी ने यूज किया होगा, यू नो पुराने जमाने में। आजकल तो वो हीट आ गया, हीट, एक भी कॉकरोच बचना नहीं लाल चाहिए। हिट। हाँ सर, लाल हिट। उसमें क्या होता है कि पता नहीं चलता कि अंदर से कैसे निकल रहा है, और यही फंडा यही है। तो पहले जमाने में क्या है, ऐसे बड़े बड़े पंप हुआ करते थे और उसमें नीचे ऐसा बाटली निकाल देते थे, उसमें लिक्विड भरते थे, फिर वो बाटली झुक 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 ऊपर लगा देते थे और फिर फुस 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 ऐसा करते थे। तो आई थिंक 20 years बैक, यू नो आई हैव डन दिस ऑलरेडी, सो यू नो दिस इज द बेसिक आइडिया कि यू नो स्पीड हाई हो तो प्रेशर कम हो जाता है। सो स्प्रे पंप्स, एटोमाइजर्स, इन सब में इसका बरनोई, ये बरनोई है और कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बरनोई साक्षात दर्शन दे रहे हैं आपको यहां पे, क्योंकि यस सर। स्पीड ज्यादा तो प्रेशर प्रेशर कम। कम, सीधी बात भाई, गलती से मिस्टेक हो गया, मैग्नम नहीं मैग्नस इफेक्ट। सर ये कौन है सर मैग्नस, और क्या इफेक्ट किया उसने, छोड़ दो उसको, नाम छोड़ दो। कभी बच्चे के साथ खेले हो क्रिकेट या बॉल हाँ बॉल? सर। ये तुम हो और ये है बच्चा, ओके तुम्हारा बच्चा है, किसी का बच्चा है, मेरे को नहीं मालूम किसका बच्चा है, जिसका वो लेके जाओ रे। ये बच्चा बोला अंकल मेरे साथ क्रिकेट क्रिकेट खेलो, बॉल बॉल खेलो, ओके तुम बच्चे को कैसे बॉल डालते हो क्रिकेट में? क्या तुम मुथैया मुरलीधरन की तरह स्पिन करते हो या जसप्रीत बुमराह की तरह दूर से आके स्विंग करते हो बॉल को, या ले बेटा खेल छोड़ दे जैसे ले, बराबर ना? बच्चे बच्चे के साथ खेलने का, आपने उसको अपनी शान पट्टी नहीं दिखानी, और तुमने ऐसा बॉल फेंका, ये बॉल फेंका और यहां टप्पा खा के बॉल उसके पास गया, क्या बच्चे को कोई दिक्कत होगी बॉल पकड़ने में? नहीं सर। एकदम मस्त, क्योंकि तुमने बॉल सीधा फेंका है, ले बेटा। तो ये जो बॉल जा रहा है, ये बॉल है जो फेंका यहां से, अबे मुंह से थोड़ी फेंका मैंने मुंह से बनाया, बरोबर, बॉल फेंका और बॉल बच्चे के मुंह में थोड़ी जा रहा है, तुम भी ना बता दे क्योंकि सर मुंह में जा रहा है बॉल, ओके बे सर हमको चॉकलेट लगा इसके लिए। कमाल है बच्चे को, तू अपने मुंह से चॉकलेट निकाल के बच्चे के मुंह में डालेगा, साले कमबख्त तुम्हारे गंदे आदमी। बे बॉल बॉल खेल रहे यार, तो लुक बॉल इन द एयर, ये बॉल स्पिन नहीं हो रहा है, ये बॉल सीधा जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऊपर जैसी स्ट्रीमलाइन है हवा की, ये एयर की स्ट्रीमलाइन है, नीचे भी वैसी ही है। कैन यू सी, ना ऊपर ऐसी यू नो यस क्राउडेड ना नीचे क्राउडेड, दोनों जगह सेम टाइप ऑफ स्ट्रीमलाइन, सो कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं, एंड बॉल शांति से जाएगा, शांति से अपने पे आएगा। यहां पे भी वी है ऊपर एयर की स्पीड, और नीचे भी एयर की स्पीड वी है, सो सेम स्पीड सेम प्रेशर,
सो नो प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट्स वन एंड टू, प्रेशर एट पॉइंट्स वन एंड टू, तो एकदम बॉल जाएगा बच्चे के हाथ में आएगा, बच्चा खुश हो जाएगा, एवरीबडी इज हैप्पी। बट अब तुम बड़े हो गए और अब तुम लाइव मैच खेल रहे हो और उस लाइव मैच में तुमको अब बॉल को स्पिन करना है। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्पिनिंग? यस सर। डू यू नो व्हाट स्पिन इज? जब तुम बॉल को सिर्फ आगे का मोशन नहीं देते बट तुम रोटेट भी कराते हो, मतलब अब बॉल गोल गोल भी घूमेगा, दिस इज नॉर्मल। एंड नाउ स्पिनिंग एक्शन, स्पिनिंग सर इंग्लिश में तो पूरी बजा है, स्पिनिंग मोशन मतलब बॉल आगे भी बढ़ रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। तो ये आपका बॉल है, ये आगे भी जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। नाउ बिकॉज ये बॉल आगे भी जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है तो ये एयर की स्ट्रीमलाइंस को चेंज करेगा, एयर को पीछे धक्का मारेगा, बराबर। सो एयर को जब पीछे धक्का मारेगा तो नीचे की जगह, सॉरी नीचे की जगह एयर रैरिफाइड हो जाएगा और ऊपर की जगह सो लेट अस से दिस इज पॉइंट वन एंड दिस इज पॉइंट टू। कैन समवन लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी एयर की और किस पॉइंट पे कम? आई थिंक मैंने समझाया था ना, क्राउडेड स्ट्रीमलाइंस हो वहां स्पीड ज्यादा होती है। सो क्राउडेड स्ट्रीमलाइंस इंडिकेट वन पे स्पीड हाई और टू पे स्पीड लो, स्पीड कम। यस सर। कोई है इंसान जो मेरे को स्पीड और प्रेशर का फंडा बताए? नॉर्मल बंदे जवाब ना देना, मैं किसी को पूछता हूं, देखता हूं कोई है कि नहीं है। Let us see. My man, Jay Kapadia, है क्या? Yes, sir. तो मैं यहां पे हाई स्पीड है, यहां लो स्पीड है, यहां प्रेशर क्या होगा, हाई या लो? मैं भूल गया। लो होगा सर। आर यू श्योर? यस सर। आर यू 100%? आर यू पॉजिटिव? यस सर, पॉजिटिव। वेरी गुड। हाई स्पीड लो प्रेशर, और अपने दिल को थामे रखिए सर। अब क्या होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉल के नीचे हाई प्रेशर हो चुका है, बॉल के ऊपर लो प्रेशर हो चुका है, तो जैसे ही बॉल टप्पा खाएगा ना, डोंट यू अग्री, एवरीथिंग गोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे ही बॉल आया, टप्पा खाया, ऐसा उछाल मारेगा कि बैट्समैन भी टेंशन में आ जाएगा, फला ये बॉल गया था। बिकॉज नाउ नीचे प्रेशर हाई है, ऊपर प्रेशर लो है, तो अब बॉल उछलेगा। यू नो दिस टाइप ऑफ उछाल ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स वन एंड टू, द बॉल नाउ एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स which is called, just a moment, which is called dynamic lift. और ये अनइवन उछाल से बॉल तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, अगर तुम बैट्समैन हो तो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। अब तक बॉल आ रही थी, तुमको दिख रही थी, पर जैसे ही टप्पा खाया अचानक से ऐसी उछली, कहां घुस गई मालूम नहीं पड़ा। सो बहुत बार खिलाड़ी क्या करते हैं, स्पिनर को कैसे खेलते हैं, स्पिनर ने जैसे ही बॉल डाला ना, 3 फुट आगे आके उछाल देंगे सारे को, बॉल के आने का इंतजार ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर कम है, जैसे ही बॉल टप्पा खाएगा एक अजब सा उछाल आएगा, उसमें शायद वो खेल ना पाए उसको। तो स्पिनर को खेलने का बेस्ट फॉर्मेट क्या है, जैसे ही स्पिनर ने बॉल छोड़ा, 3 फुट आगे आओ, तोड़ दो, गया 6 रन, बंदा बाउंड्री के पार। सो
दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, दिस इज मैग्नस इफेक्ट। बॉल में जो अनइवन उछाल, यू नो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जिस तरफ जाता है इसको कहते हैं डायनामिक लिफ्ट, ऊपर की तरफ का उछाल है बॉल पे, जो उछाल यहां नहीं था क्योंकि यहां पे स्पीड सेम, स्पीड सेम तो प्रेशर सेम, प्रेशर सेम, बिल्कुल बॉल आया आगे आया, आप बिल्कुल शांति से प्रिडिक्ट कर सकते थे, कोई नेट फोर्स है ही नहीं, नेट फोर्स इज जीरो, यहां पे नेट फोर्स है। एंड एज अ रिजल्ट स्पिनर्स का बॉल अगर एक बार टप्पा पड़ जाए और तुम वहीं पे क्रीज पे खड़े हो तो सबसे ज्यादा डेंजरस वही हो जाता है कि तुमको अंदाजा नहीं बैठता कि बॉल अचानक से कहां आएगा। फेयर इनफ। हाँ तीर्थ क्या कह रहे थे? नहीं सर वो फिर मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज्यादा मतलब वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर। किस चीज में मतलब? सर वो बॉल के ऊपर की साइड पे लो, मतलब ज्यादा स्ट्रीमलाइंस इकट्ठा हो गई, ये एयर की स्ट्रीमलाइंस, एयर स्ट्रीमलाइंस, ये एयर की स्ट्रीमलाइंस रेरिफाइड है तो उसके बॉल के मतलब उसकी ही लाइन में, बॉल की ही लाइन में जो एयर की स्ट्रीमलाइंस होती है वो कैसी हो? बेटा बॉल की लाइन में एयर की स्ट्रीमलाइंस का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बॉल जब घूम रहा है तो बॉल के ऊपर या नीचे ही तो स्ट्रीमलाइंस एयर का दबाव बना रहेगा ना, बॉल के आगे या बॉल के पीछे कोई दबाव बना नहीं रहेगा क्योंकि बॉल घूम रहा है, और क्योंकि घूम रहा है तो वो नीचे के एयर को और ऊपर के एयर को असर करेगा, आगे के या पीछे के नहीं। यही होता है। आपको जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पसंद है? मुझे भी पसंद है। पर मुझे जहीर खान की भी बॉलिंग पसंद है, वेंकटेश प्रसाद की भी बॉलिंग पसंद है। दीज आर लेजेंडरी बॉलर्स फ्रॉम माय टाइम एंड हम इनको देख के ही बड़े हुए, एंड दीज आर नोन फॉर देयर स्विंगर्स, यू नो दीज आर स्विंग बॉलर्स। एनीबडी कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ फास्ट बॉलर एंड अ स्विंग बॉलर? शोएब अख्तर इज अ फास्ट बॉलर। आई डोंट नो वेदर यू नो शोएब अख्तर और नॉट। यस यस सर, स्विंग बॉलर। यस सर। हां कोई कोई स्विंग बॉलर की डेफिनेशन बता रहे हैं? हां महाराज, कहीं भी जा सकता है, नहीं जहां वो चाहे वहीं जाएगा। स्विंग बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग में एक ही फर्क है, फास्ट बॉलिंग में वो बॉल में से स्पीड निचोड़ेगा, he's going to put speed, you know, he's going to put it fast. Shoaib Akhtar is a fast bowler, Brett Lee is a fast bowler, Jasprit Bumrah is a swing bowler. Wo ball mein se speed nahi chhodna chahta, but I'm sure aapne dekha hoga wahan wo ball rough karte hain sir, ek side ki surface rough, ek side smooth rakhte hain, ek side rough kar dete hain, aur usse kya hota hai ball ab you know, और बॉल को पकड़ने का तरीका भी उनका अलग होता है, तो बॉल के अब ये साइड की जो स्ट्रीम लाइंस है ना उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एज अ रिजल्ट बॉल सीधा नहीं आता, बॉल थोड़ा सा एक डिग्री का टर्न मारता है। एंड अगर कोई स्पीड में आती हुई बॉल एक डिग्री से टर्न मारे तो यू नो आकाश से पाताल हो सकता है। So, if it's an in-swinger, if it ball is coming straight, and it turns a little towards the off-stump, तो हो सकता है बंदा मिस्टेक कर जाए और out जो go home. Tempering होती है ना सर उसके लिए? Sorry? Ball tempering करते हैं ना वो? बिल्कुल, वो बहुत ही गलत चीज है। काफी लोग you know वो smooth तो करते हैं पर उस चीज को rough करने के लिए अपने नाखूनों से उसपे you know चमड़े को चीर देते हैं, जिसकी वजह से और उसमें एक अनइवन सा यू नो बाउंस आ जाता है, और अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस बैट्समैन हो तो उसको तुरंत समझ में आएगा कि यार ये बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा, तो ही कैन सिग्नल टू दी अंपायर कि अंपायर आप बॉल देखो कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, एक आध दो बॉल अजीब आ गए तो यू नो यू कैन शो दी अंपायर द बॉल, अंपायर देखेगा बोलेगा सर इसको निकालो इसने बॉल के साथ उंगली करी है, तो मैच का बैन लगा देंगे उस पे। सो दिस इज व्हाट इज स्विंग बॉलिंग, दिस इज व्हाट इज स्पिन बॉलिंग, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रीमलाइंस ऑफ एयर, नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम, अनइवन उछाल। आपको पता है हवाई जहाज के विंग में भी यही फंडा होता है। डू यू नो हवाई जहाज का विंग? सर ये ऊपर वाला
पास पास में इसलिए क्योंकि ये जो बॉल घूम रहा है ना वो अपने साथ एयर को लेके जा रहा है और ऊपर की जो एयरलाइंस है वो एयर को कंप्रेस कर रहा है और नीचे की एयरलाइंस है उनको वो रेरिफाई कर रहा है। ये बॉल की स्पिनिंग मोशन की वजह से इंड्यूस हुआ इफेक्ट है। अगर बॉल सीधा जा रहा होता तो उसने ऊपर नीचे की हवा को घुमाया नहीं है। अगर तू बच्चे के साथ खेल रहा है तो सीधा बॉल डालेगा तो इट्स अ नॉर्मल लीनियर मोशन, यू आर नॉट स्पिनिंग द बॉल। एज अ रिजल्ट ऊपर नीचे की एयर की स्ट्रीमलाइंस में कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल है। बट अगर बॉल आगे भी जा रहा है और साथ में वो गोल गोल भी घूम रहा है तो इस गोल गोल स्पिनिंग मोशन की वजह से, तेरे को याद है रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का फंडा था बेटा, हाँ तो उसमें नीचे के पॉइंट पे फ्रिक्शन एक्ट करता ना, सेम उसी तरह अगर बॉल गोल गोल घूम रहा है तो वो ऊपर की एयरलाइंस को ज्यादा घुमा देगा, ज्यादा स्पीड करा देगा, नीचे की एयरलाइंस की स्पीड कम हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट ऊपर हवा की स्पीड ज्यादा होने से ये स्ट्रीमलाइंस पास पास हो जाएंगी, नीचे हवा की स्पीड कम होने से ये स्ट्रीमलाइंस दूर दूर हो जाएंगी एंड एज अ रिजल्ट ये प्रेशर का डिफरेंस इन दो पॉइंट्स पे क्रिएट होगा। फेयर इनफ, ओके। यस यही फंडा है एरोफॉइल का। यू नो व्हाट्स एन एरोफॉइल? नहीं पता है तो बता दूं मैं। यू नो एयरक्राफ्ट का विंग इस यस तरीके का होता है। यू नो एयरक्राफ्ट का विंग अगर आप देखो तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऐसा होता है थोड़ा सा, इतना भी नहीं ऐसा। एंड एज अ रिजल्ट जब ये एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है तो ऊपर की स्ट्रीमलाइन सेम इसी तरह, ऊपर की स्ट्रीमलाइंस दब जाती हैं और नीचे की स्ट्रीमलाइंस रैरिफाई हो जाती हैं। इफ यू आर लुकिंग क्लोजली, ऊपर हाई वी लो पी एंड नीचे लो वी हाई पी। सो कैन यू सी द प्रेशर बिलो द विंग इज मोर देन द प्रेशर अबव द विंग। सो प्रेशर बिलो द विंग इज मोर देन प्रेशर अबव द विंग। एज अ रिजल्ट एक अपवर्ड फोर्स हमेशा विंग पे रहता है, ड्यू टू विच अगर इंजिन बंद भी हो जाए, अगर बर्ड हिट की वजह से इंजिन बंद हो जाए तो आपका एयरक्राफ्ट भड़ांग करके नीचे नहीं आएगा, इट विल कंटिन्यू टू ग्लाइड इन एयर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो देर विल ऑलवेज बी एन अपवर्ड फोर्स, देर इज ऑलवेज एन अपवर्ड फोर्स ऑन द विंग, वर्ड फोर्स ऑफ एयर ड्यू टू एयर ऑन द विंग ड्यू टू विच द एयरक्राफ्ट कैन ग्लाइड इन एयर। जब वो हवा में चलता है, ऊपर उड़ता है तो उसका यही फंडे की वजह से उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो काफी कम होता है क्योंकि वो एयर में उड़ा जा रहा है, नीचे से फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ, मस्त उड़ रहा है। सबसे कम फ्यूल कंजम्पशन मिड एयर में होता है, सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन टेक ऑफ या लैंडिंग में यूज होता है। हाँ सर, वो नीचे से अपवर्ड फोर्स आता कैसे है? बेटा, जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस गिव्स राइज टू फोर्स बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर अगर दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम हो तो देर इज नो नेट फोर्स। तेरे को क्या लगता है ये हवा क्यों बहती है? तू बाहर जाएगा तो तू नोटिस करेगा, आहा, क्या हवा आ रही है, बहुत तेज हवा आ रही है, ये हवा कैसे बहती है? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। अपने एरिया में प्रेशर कम है, किसी और एरिया में प्रेशर ज्यादा है तो एयर रशेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो वेन एवर देर इज अ प्रेशर डिफरेंस देर विल ऑलवेज बी अ नेट फोर्स एक्टिंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके सर, बरोबर है? एम आई क्लियर नाउ? इज इट एब्सोल्यूटली क्लियर जेंटलमैन? बरोबर है? सो
विंग पे भी देर इज ऑलवेज अ नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू विच द एयरक्राफ्ट कीप्स ग्लाइडिंग इन एयर. ओके, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड एरोफॉइल एंड स्पिनिंग मोशन. एक काम करते हैं, एक आध दो न्यूमेरिकल्स करते हैं. बहुत ही बढ़िया चीज खत्म हुई, लगभग करीबन आधा चैप्टर खत्म हुआ है अपना. लेट अस गो ऑन टू अ कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स. यस प्लीज. तो वो नीचे मतलब लैंडिंग टाइम फ्लाइट तभी भी ऊपर की तरफ फोर्स रहता है? तभी तो सबसे ज्यादा फ्यूल यूज करना पड़ता है. इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट काम लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम ही तो है. एंड तू देखता है लैंडिंग के टाइम पे वो एयर फ्लैप्स खोल देते हैं. Have you noticed? Yes, sir. So that is the important idea. It there is too much to it apart from you know ये aerofoil and all. तो मैं करने जा रहा हूँ number illustration number you know 10.7. It's an easy number. I think you should do it, but I'll do it. Illustration 10.7. ये venturi meter का equation use करके करने का है. The flow of blood in a large artery of an anesthetized dog is diverted through venturi meter. Wider part of the meter has cross-sectional area equal to that of the artery, 8 mm square, 8 mm square. The narrower part, throat ka area 4 mm square hai. The pressure drop in the artery, P1 minus P2, is how much? 24 Pascal. What is the speed of blood in the artery? I think इतना साफ कोई नहीं चीज होता. द स्पीड ऑफ फ्लो इन द आर्टरी इज V1. डू यू रिमेंबर रूट ऑफ, अच्छा डू यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, P1 minus P2 इज हाफ रो V1 स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा a बाय छोटा a द होल स्क्वायर माइनस a बराबर है. सो मुझे V1 स्क्वायर चाहिए. So V1 square is 2 P1 minus P2 by rho bada A by chota A the whole square minus 1. Bhai, mere ko P1 minus P2 diya hua 24. Ye kya hai? Blood ja raha hai na? Blood ja raha hai na? Blood. For blood, I think blood ka density hai 1.06 into 10 raised to 3 kg per meter cube. That is why we said blood is thicker than water. बड़ा ये है, छोटा ये है, सब कुछ भर के बोला. तो आओ राजा, 2 into 24 divided by rho कितना है? 1060 bracket. बड़ा ये by छोटा ये 8 by 4 का whole square minus 1. Is there someone who is doing this with me? 24 twos are 48 divided by 1060. 8 by 4 is 2. 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3. ओ 16 3 इज 48. 16 डिवाइड बाय 1060, इज एनीवन डूइंग इट? हाउ मच इट इज 16 डिवाइड बाय 1060? 0.01509. पर मुझे उसका रूट चाहिए, तो V1 इज रूट ऑफ दिस थिंग. सो इफ यू आर फाइंडिंग रूट, 0.1228, चेक 0.125 लिखा है, 0.123 आ रहा है हमको. तो भाई अपने को जो आता है वही सही है बाबा. बराबर है 0.123 मीटर पर सेकेंड. अच्छा एक और न्यूमेरिकल है मस्त. सर मस्त ही होते हैं सारे आपके तो भाई, प्यार किया करो न्यूमेरिकल से. न्यूमेरिकल 10.14 ऑन द रोल. Very beautiful numerical. It says in a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speeds on the upper and lower surfaces. So V1 upper surface is 70 meter per second and V2 is 63 meter per second. What is the lift on the wing? Matlab force. Lift matlab force. If the area is 2.5 meter square, the density of air is 1.3. kg per meter cube. Okay. भाई सबसे पहले फोर्स इज प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया. नाउ वी नो बाय बर्नौली'स थ्योरम. डू यू रिमेंबर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर
इज पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। मैं विंग के दोनों पॉइंट्स को करीबन करीबन सेम हाइट ही पकड़ रहा हूं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। सो हाउ मच इज पी वन माइनस पी टू? नाउ समबडी विल टेल मी सर प्रेशर वन पे कम है तो पी टू माइनस पी वन करना पड़ेगा। ओके तो पी टू माइनस पी वन कर लो, क्योंकि टू जो है वो विंग के नीचे है, नीचे हाई प्रेशर है ऊपर लो प्रेशर है। ओके ये रहा। नाउ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, आई एम नॉट फाइंडिंग दिस राइट नाउ, प्रेशर डिफरेंस देयर इज एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड डायनामिक लिफ्ट, कॉल्ड डायनामिक लिफ्ट। सो फोर्स, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। सो एफ इज पी टू माइनस पी वन इनटू ए। लेडीज एंड जेंटलमैन डू यू हैव पी टू माइनस पी वन? यस सर वी आर रेडी। हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर द होल इनटू एरिया। बाय लेट अस स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग। रो 1.3, V1 70 का स्क्वायर, V2 63 का स्क्वायर इनटू एरिया, एरिया कितना है 2.5। नाउ यू कैन डू दिस लाइक दिस आल्सो, 70 प्लस 63 इनटू 70 माइनस 63, इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट, नहीं तो 1.3 इनटू 2.5 बाय 2, 70 का स्क्वायर इज 4900। एनीबॉडी कैन गिव मी 63 का स्क्वायर? 3969. Is anyone actually doing it? Yes, sir. So 63 का square मैंने किया 3969. Now 4900 minus 3969 is 931 into 2.5 into 1.3 divided by 2. 1512.8. Is that agreeable? मतलब 1513 जैसा पकड़ लूं। सो योर फाइनल आंसर वुड बी राउंड अबाउट 1.51 इनटू 10 रेज टू 3 न्यूटन। इफ समवन इज चेकिंग द टाइम इज नाउ, इज एनीवन चेकिंग? बराबर ओके आई एम मूविंग ऑन। 14 हो गया है, मैं 6 कर रहा हूं, न्यूमेरिकल 6 एकदम इजी। टोरिसेली ने जो टोरिसेली ने जो मर्क्यूरी बैरोमीटर बनाया था, यू नो उसमें मर्क्यूरी डाला था, और अब उसने क्या किया, उसने मर्क्यूरी डालने की जगह फ्रेंच वाइन डाली है। क्या बात है, लोग क्या क्या कर लेते हैं। तो फ्रेंच वाइन डाली है उसने, और कितनी डेंसिटी है वाइन की, 984 केजी पर मीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब 1.01 इनटू 10 रेज़ टू 5 पास्कल। तो एकदम इजी बात, वी नो फॉर बैरोमीटर। हाँ पी ए इज रो जी एच, रो किसका, वाइन का। वाइन का रो कितना होगा? ये दिया तो हुआ 984 है ना, वाइन का रो दिया हुआ 984, सो देयर इज नो इश्यूज, ठीक है ना। 1.01 इंटू 10 इज टू 5 डिवाइड बाय वाइन का 984 इंटू 9.8। इज देयर समवन हु इज डूइंग दिस? 9643.2 बेटा, आर यू रियली श्योर अबाउट दिस? दिस इज 101000। एक दो तीन चार पांच, यू बेटर बी श्योर, इट पेज टू बी श्योर। 101000 डिवाइड बाय 984 डिवाइड बाय 9.8। सर मैंने 984 इनटू 9.8 बोला, सॉरी मैंने इसका पूरा एच नहीं बोला, मैंने बोला 984 इनटू 9.8 इज इक्वल टू 9। अच्छा ऐसे आ रहे हो, पूरा नहीं बोल रहे। 10.47 चेक्स, साढ़े 10 मीटर का उसका कॉलम का हाइट हो जाता है साहब, साढ़े 10 मीटर।
मतलब यू नो छोटे से बिल्डिंग जितनी हाइट का तुमको बाटली लेना पड़े, ट्यूब लेना पड़े, तब जाके तुम्हारा काम होगा। ओके 10.8 भी मस्त है, मैं आपको 10.8 कराऊंगा नहीं, उसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ ताकि आप घर पे कर सकते हो। 10.8 में दिया हुआ है हाइड्रोलिक लिफ्ट, मास कितना है गाड़ी का 3000 किलो, एंड एरिया है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज दैट 425 × 10⁴ m², व्हाट इज द प्रेशर भाई? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। जी भाई, यस सर, हो गया। फोर्स कितना है एम जी एंड एरिया इज ए। डू यू थिंक मास यहां लगा के जी 9.8 करके एरिया यहां सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर ला पाओगे? इज इट पॉसिबल? इज इट? तो यहां बोल नहीं रही है, यस सर। अच्छी बात है, चलो। अच्छा, लगे हाथों 10.24 ही कर लो, वो भी छोटा सा ही है, एकदम छोटा, बस ये आखिरी है शायद, न्यूमेरिकल 10.24। कहते हैं सर, ड्यूरिंग इसका ब्लड आंसर भी आ ट्रांस, गया। सॉरी इसका आंसर भी आ गया। किसका? 24 मास का? अच्छा इसका, मास ठीक है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द नीडल इज इंसर्टेड इन अ वेन वेयर गॉज प्रेशर दैट्स पी माइनस पी ए इज 2000 पास्कल, 2000 नहीं है ना, यस। एट व्हाट हाइट मस्ट द ब्लड कंटेनर बी प्लेस सो दैट ब्लड में जस्ट एंटर द वेन? भाई साहब वी नो, हमको हमेशा पता होता है क्या लगाने, बस हम लगाने से डरते हैं। पी माइनस पी ए इज एच रो जी, और रो किसका? ब्लड का। सो पी माइनस पी ए 2000 है, एच फाइंड करना है, रो ब्लड 1.06 × 10³, एंड जी इज 9.8। डू यू थिंक यू कैन डू दिस? कैन यू फाइंड एच? दैट्स लवली, दैट इज सो लवली। ये तुरंत कट जाना। सो 2 / 1.06 192.52, यस सर, बेटा तबीयत ठीक है? तेरी 0.1 तबीयत ठीक है? 0.1925, यस सर। क्या 192? सर मैं 150 भी नहीं काटा था। कमाल करते, उसके बगैर तो कैसे चलेगा काम महाराज, है ना भाई? 10.27 भी इसी तरीके से, जैसे हमने वो विंग का स्पीड किया था, वो सब किया था ना, तो उसी तरीके से करना है, आप कर सकते हो उसको, काफी आसान हो जाएगा। आई थिंक वील एंड द डेज प्ले नाउ। ओके, वैसे 10.16 भी जो ओके है काफी बढ़िया है, तो 10.16 भी आप ट्राई कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सेट होगा, ट्राई दैट, एंड नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो विस्कोसिटी करके आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, हैव अ लवली इवनिंग ऑल ऑफ यू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सो टेक केयर, बाय बाय।